जय माता दी। मैं आचार्य अभिनव दुबे, आपका मित्र, आपका जोशी और आपका मार्गदर्शक ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क राशि फल 2021 के बारे में। अभी तक आपने मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के बारे में जाना, अब जानिए कर्क राशि फल 2021 कैसा रहेगा, आपके आने वाले सितारे कैसा आपका रहेगा, व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, आपका आने वाला करियर। तो देखते रहिए ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके ग्रह स्थिति को। तो आइए बताते हैं कर्क राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति कहती है कि यह साल आपके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा, क्योंकि सप्तम स्थान पर गुरु बृहस्पति और शनि विराजमान है, जिसके कारण उतार चढ़ाव भरा जीवन रह सकता है। कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन तो अच्छा हो जाएगा, शनि की उपस्थिति के कारण किसी का वैवाहिक जीवन भी खराब हो जाएगा। अगर बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए, यह साल आपका साल के शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत तो बढ़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे साल आप बढ़ता चला जाएगा 2021 में, वैसे ही आपका जीवन सुखद होता चला जाएगा। तो सबसे पहले आइए अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। तो आइए अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक लिहाज से देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए शुरुआत का समय कुछ दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी, लेकिन जैसे अप्रैल मई का महीना आएगा, यहाँ से आपका आर्थिक जीवन बहुत अच्छा होता चला जाएगा और पूरे वर्ष आपका आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। बीच बीच में आपको सरकारी मदद का भी आशा दिखाई देती है, यह भी दिखाई देती है कि बीच में आपको अप्रैल या सितंबर के बीच में आपको सरकारी धन का उपयोग करने का अवसर मिलेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या सरकारी आर्थिक सहायता कहीं से प्राप्त होने वाली है, तो आपको अवश्य प्राप्त होगी अगर आपके कोई रुके हुए काम हैं। अगर देखते हैं अक्टूबर से लगा करके दिसंबर तक का आर्थिक जीवन के लिहाज से देखते हैं, जो लोग लोहे से संबंधित कार्य करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं, उनको थोड़ा सा रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखते हैं और जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, तो आपको असर अच्छे रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए साल के शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कतें आपको बनी रहेगी, अफसरों से मिलकर के रहना होगा, नहीं दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी का जीवन आपका अच्छा रहेगा। और देखते हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको बस थोड़ा सा प्रयास ये करना है, अपने घर के ईशान कोण में आपको थोड़ा सा जल रखना है रोज प्रतिदिन, और उसी जल का उपयोग करना है। आप देखेंगे कि आर्थिक जीवन आपका बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा और किसी तरीके से दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब बात करते हैं आपके करियर के बारे में। करियर के लिहाज से देखते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए साल के शुरुआत में थोड़ा सा करियर के लिहाज से उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन जैसे समय बीतता जाएगा, करियर के लिहाज से भी आपका समय होता अच्छा चला जाएगा। सप्तम स्थान पर गुरु बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, इनके बैठने के कारण इस वर्ष अप्रैल के बाद से आपके व्यापार नौकरी में, व्यापार में अगर देखा जाए तो अच्छा सा उछाल आएगा और आपका बूम करेगा, जिसे कहा जाता है, व्यापार में काफ़ी अच्छा करेंगे और धन की प्राप्ति होगी। अच्छे पार्टनर मिलने के भी योग बन रहे हैं अगर देखा जाए, और जो जातक नौकरी में है और प्रमोशन चाहने की इच्छा है और उनका प्रमोशन लगना है और विभाग में, तो अवश्य आपका प्रमोशन होने का योग है और आपका प्रमोशन कोई भी व्यक्ति निकाल नहीं सकता है, अर्थात उसको हटा नहीं सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। अगर देखते हैं जुलाई से लगा करके सितंबर तक का महीना देखते हैं नौकरी के क्षेत्र में, और व्यापारीगण थोड़े से उलझन में रहेंगे, काम आपका जैसे थोड़ा सा रुक जाएगा, लेकिन फिर आगे देखते हैं आपका काम अच्छा चला जाएगा। आप बस नियमित रूप से गणेश जी की अर्चना करते रहिए, इस वर्ष आपके काम अच्छे चले जाएंगे। थोड़ा सा आपको अपने व्यापार में आपके भागीदार आपके पैसे को नहीं दे सकते हैं, ऐसा कुछ योग लग रहा है, जिसके कारण उसे विवाद की स्थिति बन रही है। उस विवाद से बचने के लिए आपको उलझना नहीं है, बल्कि प्यार से अपने पैसे मांगना है और जांच परख करके ही दें, नहीं तो आपको करियर में वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर देखते हैं अक्टूबर से लगा करके दिसंबर तक का समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। पश्चिम दिशा से आपको विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है, पश्चिम दिशा आपसे विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है, पश्चिम के साथ साथ में उत्तर दिशा में भी आपको लाभ मिलने का योग बन रहा है। अगर इस दिशा में आप जा करके अपना व्यापार करना चाहते हैं, और इस वर्ष किसी बड़े बुजुर्ग का साथ भी आपको मिलेगा, जिससे कि व्यापार में स्थिति बहुत अच्छी अनुकूल होगी। जब आपको पैसे की आवश्यकता होगी, कोई बुजुर्ग महिला आपकी मदद अवश्य करेगी, और व्यापार को अच्छा करने के लिए
अपने पूजा घर में एक गांठ हल्दी आप जो है जरूर रखिए और माता भगवती का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बना रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। पारिवारिक लिहाज से देखते हैं, इस वर्ष शनि महाराज की दृष्टि जो है आपके चौथे स्थान पर पड़ रही है और चौथे स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में कुछ कलह की स्थिति इस वर्ष बन रही है। आपके घर में आपकी बातें हो सकता है ना सुने जाए या आपके इच्छा अनुसार कार्य ना हो, जिसकी वजह से इस वर्ष आपके मन में चिड़चिड़ापन महसूस हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बड़े बुजुर्ग ही आपकी बातों को कोई तवज्जो ना दें, इसलिए इस वर्ष आपको परिवार से अपना तालमेल बना करके चलना चाहिए और बना करके चलेंगे तो काम आपका बहुत अच्छी तरीके से चलेगा और आपके मन की शंका भी ठीक होगी। और हो सकता है कि इस वर्ष आप जो है अपने पारिवारिक जीवन में अपने बड़ों के लिए कुछ अच्छा कार्य करें, जबकि वो आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, लेकिन आप उन्हें अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा कार्य जो है अवश्य करेंगे, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन बेहतर चलेगा। अगर देखते हैं पारिवारिक जीवन में आपके भाई आपसे संतुष्ट नहीं रहेंगे, किसी वजह से उनसे बात विवाद हो सकता है, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए आपको करना ये होगा कि सभी के साथ तालमेल मिला करके चलना चाहिए और शनिवार को आपको शनिदेव के दर्शन अवश्य करना चाहिए और आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक जीवन आपके मन मुताबिक हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के लिहाज से देखते हैं, इस वर्ष आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है। उसका कारण है कि आठवें भाव का स्वामी शनि आपके सातवें स्थान पर बैठा है और छठवें रोग के स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके सातवें स्थान पर युक्ति बना रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए इस वर्ष जो है कोई नया रोग उत्पन्न हो सकता है, इसलिए विशेष स्वास्थ्य के प्रति विशेष सचेत रहें, विशेष सावधानी आपको रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य ही दौलत है। अगर स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो सारा पैसा दूर हट जाएगा। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य हो या आपको कोई नया रोग उत्पन्न हो, कोई भी नया लक्षण दिखे, तो इस वर्ष आपको डॉक्टर को जरूर परामर्श के लिए जाएं, अपनी सेहत का जांच आपको जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष छठवें और आठवें भाव के स्वामी सातवें स्थान पर संयुक्त होकर के बैठे हैं। तो कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सजग रहना है और ख़ास करके आपको एसिडिटी से संबंधित, क्योंकि पेट से संबंधित, क्योंकि गुरु बृहस्पति बैठे हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है, क्योंकि शनि हड्डी रोग के कारक होते हैं, जो जोड़ों के दर्द हो गए, खास करके कमर के नीचे का तकलीफ आपको हो सकती है, इसका विशेष ध्यान आपको रखना है। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखते हैं कि इस वर्ष आपका वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव बना रह सकता है, क्योंकि गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों सातवें स्थान पर विराजमान हैं। इनके विराजमान रहने के कारण आपके जीवन साथी का आपके प्रति आकर्षण में कुछ कमी आ सकती है, क्योंकि उसका कारण है कि उनका मन धार्मिक गतिविधियों में लग जाएगा और जब धार्मिक गतिविधियों में उनका मन लग जाएगा तो आपका ध्यान नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में उनका मन अधिक लगा रहेगा। और देखते हैं 14 जनवरी से और 12 फरवरी तक जो है सूर्यदेव आपके राशि से सातवें स्थान पर गोचर करेंगे और उनके गोचर करने के कारण आपको बड़ा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर आप वफादार रहेंगे तभी आपका वैवाहिक जीवन जो है सफल हो सकता है, नहीं तो अड़चने मतभेद आ सकती हैं आपके बाकी समय देखते हैं आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बातचीत होती रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर के गाड़ी आपकी चलती चली जाएगी और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाएगा। वैवाहिक जीवन को अच्छा और मधुर करने के लिए शिव पार्वती की पूजा आप अवश्य किया करें, जिसके आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आएगी, उनके आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में। देखते हैं आपके प्रेम जीवन के लिहाज से, यह वर्ष आपका प्रेम जीवन मधुर रहेगा, किसी तरीके से तकलीफ नहीं आएगी। देखते हैं फरवरी का महीना तो आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। आप लोग एक दूसरे को समझने का अधिक प्रयास करेंगे और प्रेम के सागर में
डूबे रहेंगे। अगर हम देखते हैं अगस्त सितंबर और अक्टूबर का महीना, यह आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आएगा। आप लोग देर रात तक आपस में इंटरनेट के माध्यम से बातें करते रहेंगे या व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक के द्वारा चैटिंग करते रहेंगे। ऐसे आपके योग बन रहे हैं राहु की दृष्टि होने के कारण। अगर देखते हैं आपके प्रेम जीवन को एक नई ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन बीच बीच में कुछ तकलीफें हो सकती हैं। एक दूसरे को धोखा आप नवंबर के माह में पा सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आपका और आपके प्रेमी के बीच में किसी भी तरीके की गलतफहमी हो तो आप दूसरों की बातों को ना सुने, आपस में बात करके मामले को सुलझाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर के प्रेम जीवन के लिहाज से आपका यह वर्ष अच्छा जाएगा। केवल जनवरी के माह को छोड़ करके जनवरी के माह में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम जीवन को अच्छा करने के लिए आपको नियमित रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी के आशीर्वाद से आपके मन में सुख शांति बना रहेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं आपके शिक्षा के बारे में। शिक्षा के लिहाज से देखते हैं जनवरी से लगा करके अप्रैल तक का महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिजल्ट आपके मन मुताबिक आएंगे, पढ़ाई करने में आपका मन लगेगा। लेकिन पंचम स्थान पर केतु ग्रह की उपस्थिति होने के कारण आपका मन पढ़ाई में बीच बीच से भटकता रहेगा। आप किसी किताब लेकर के बैठेंगे, ध्यान आपका कहीं और चला जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। और बाकी का समय देखते हैं, अगर आप विदेश जा कर के पढ़ना चाहते हैं तो इस वर्ष आपका पढ़ाई के लिए वीजा विदेश में जाने के लिए लग सकता है। अच्छी और उच्च शिक्षा आप हासिल करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में करियर आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। और जो जातक नौकरी के योग्य हैं, पढ़ाई करने के बाद आपकी नौकरी आपकी मनचाही क्षेत्र में लग सकती है। और देखते हैं जो जातक छोटे हैं पढ़ाई के लिए, उनको मन लगा करके अपने पढ़ना होगा, नहीं तो केतु के कारण आपको पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती हैं। साथियों, यह था 2021 के लिए कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। और कर्क राशि वालों के लिए विशेष उपाय लेकर के आए हैं कि 2021 आपका बिल्कुल शानदार चले, किसी तरीके से दिक्कत और परेशानी ना बनी रहे। आपको करना ये है कि कम से कम 10 रत्ती का, अगर आपका वजन 70 किलो है तो 10 रत्ती का मोती रत्न जो है आप अपने कनिष्ठा उंगली में धारण करिए। कनिष्ठा उंगली में धारण करने से आपकी राशि का रत्न भी है, आपका मन बिल्कुल शांत बना रहेगा। और पूरे वर्ष आपको शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। और सप्तम स्थान पर जो गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह हैं, उनके लिए आप हल्दी लेकर के शिव जी पर अर्पण करिए और सरसों का तेल लेकर के शनिवार को उसमें चेहरा देख करके पीपल के पौधे के पास या आप जो है शनि मंदिर में चढ़ा दीजिए, आपका समय बिल्कुल अच्छा चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवन को अच्छा करने के लिए सुबह 7 बजे के पहले स्नान करने का लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका करियर अच्छा चलेगा और आपका जीवन बहुत ही अच्छा होगा। आप इस विधि को अपनाइए, 2021 आपके घर खुशियां जरूर आएंगी। साथियों, आपके हमारा राशिफल कैसा लग रहा है, हमारा वीडियो कैसा लग रहा है, देखिए ज्योतिष आशा यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब करिए, मित्रों को दिखाइए और अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर करिए। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे चल रहे नंबरों को नोट करिए, वहाँ पे व्हाट्सअप करिए और आपकी कुंडली निःशुल्क दिखाएं। अगर आप अपने प्रश्न से संबंधित उत्तर पाना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के आप अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं। तो जय माता दी, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।